हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा उम्मीद यह है कि यार अच्छे होंगे आप। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये कहा था कि हम लोग वेन डायग्राम सीखने वाले हैं। तो आज वेन डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं रजिस्टर नंबर्स का कमाल, कौन है किसके अंदर, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन सीखते हैं। चलिए भाई देखिए, सबसे छोटा सेट है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स का ये जो सर्किल है सर, ये है नेचुरल नंबर्स का झूला। इस में अगर मैं जीरो और जोड़ लूं, यानी जीरो नेचुरल नंबर में नहीं है, नेचुरल नंबर के गोले में नहीं है, इसमें जोड़ी गई है अलग से, तब ये जो गोला बन जाएगा इसको कहेंगे हम होल नंबर्स। और अब इसमें जैसे ही मैं नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव जोड़ लूँगा तो ये जो सर्किल बनेगा ये बन जाएगा इंटीजर्स का। और अगर मैं इसमें फ्रैक्शंस एंड माइनस ऑफ फ्रैक्शंस जोड़ लूँगा तो ये जो गोला बनेगा, प्यारे बच्चों, ये जो गोला बनेगा ये होगा क्यू, यानी रेशनल नंबर्स। और अब इनके अलावा जो रह गए, यानी जो रेशनल नंबर नहीं है, जो रेशनल नंबर नहीं है को हम डैश से दिखाते हैं। जब मैं ये कहूँगा क्यू डैश, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब समझे, यानी जो रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है और जब मैंने इसको भी जोड़ लिया तो जो सर्किल बना, तो जो ये सर्किल बना, मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से, तो जो ये सर्किल बना इसको हम कहेंगे सर आर। आर आर माने रियल नंबर, आर माने रियल नंबर बोलते हैं इन्हें। क्यू डैश माने इरेशनल नंबर होते हैं, यानी ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर होते हैं। क्यू माने रेशनल नंबर होते हैं, क्यू माने रेशनल नंबर होते हैं। और आई या जेड माने इंटीजर्स होते हैं, आई या जेड माने इंटीजर्स होते हैं। और डब्ल्यू माने होल नंबर्स होते हैं, डब्ल्यू माने होल नंबर्स होते हैं। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं एन से तो आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं कि एन माने नेचुरल नंबर होता है। अब क्वेश्चन आएगा आपके सामने, अब इस वेन डायग्राम को आप नोट कर लें अपने अपने उसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब आप इस डायग्राम को आपने नोट कर लिया होगा, आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट कर लें, क्योंकि इससे हमारी एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखूंगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के और हम उनको करेंगे सॉल्व। चलिए आते हैं। हाँ भैया, आपकी एनसीईआरटी जो बुक है, आपकी एनसीईआरटी, उसके चैप्टर नंबर वन का ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और ये कहता है कि आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, ट्रू या फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एवरी एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। देखिए भाई, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि नेचुरल नंबर के गोले के अंदर है होल नंबर का गोला, तभी तो होंगे सारे। लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर के डब्बे से कौन बाहर है? जीरो, जीरो बाहर रह गया भाई। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो को छोड़कर बाकी के होल नंबर नेचुरल नंबर हैं लेकिन जीरो नहीं है। तो आप कहेंगे फॉल्स। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? फॉल्स।
फॉल्स, यानी आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। अब वो कह रहा है कि इसका रीजन भी बताएं, इसका रीजन भी बताएं क्यों गलत है। तो आप यहां रीजन लिखेंगे बिकॉज जीरो होल नंबर तो है, जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आपने इस गोले को देखा, आपने ध्यान किया अपने माइंड में, आपने कहा कि ये कह रहा है सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, होल नंबर बड़े हैं नेचुरल नंबर छोटा है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, क्योंकि होल नंबर के गोले में नेचुरल नंबर आते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नहीं है, क्योंकि एक होल नंबर जिसका नाम है जीरो वो बाहर रह गया नेचुरल नंबर के गोले से। तो आपने आंसर बता दिया, इससे बहुत आसानी से मैंने आंसर बता दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखता हूं आपके सामने। सेकंड देखिए भाई, सेकंड ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इंटीजर का जो गोला है वो रेशनल नंबर के गोले के अंदर आता है। तो देखिए रेशनल नंबर का गोला ये रहा, क्यू का गोला ये है, ये जिसमें क्यू बैठा है, ये है रेशनल नंबर का गोला और ये है इंटीजर का गोला। तो आप समझ गए कि रेशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर आते हैं। तो इसका मतलब ये बात कैसी हो गई सर, ट्रू हो गई। ये बात कैसी हो गई सर, ट्रू हो गई। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब आप देखिए यहां से, क्या रेशनल नंबर का गोला इंटीजर के गोले में आता है, नहीं। आप कहोगे सर इंटीजर तो छोटी चीज है, इंटीजर का गोला छोटा है, रेशनल का गोला बड़ा है, तो सारे रेशनल इसमें नहीं आ सकते इंटीजर में। आप कहोगे कौन कौन नहीं आएंगे, सर फ्रैक्शंस और नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस, ये दो चीज़ें कहाँ रह जाएंगी, बाहर रह जाएंगी, ये इंटीजर के गोले के अंदर नहीं आएंगी, इससे बाहर हैं। इसका मतलब अगर वो हमसे रीज़न पूछेगा तो हम कह देंगे कि ये बात आपकी गलत है भाई, सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, इंटीजर सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जिसका गोला बड़ा उसके अंदर छोटे वाले सब आएंगे, लेकिन छोटे गोले में बड़े वाले के सब नहीं आएंगे, क्योंकि उससे गोले से बाहर भी रह जाएंगे, ये रह गए फ्रैक्शन एंड माइनस एफ रह गए, इससे बाहर इंटीजर के गोले से बाहर रह गए। तो फॉल्स, और रीजन क्या देंगे आप, बिकॉज फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। आप कहेंगे कि सर जो फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर्स हैं बट नॉट इंटीजर्स, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं हैं। फ्रैक्शंस जो हैं वो रेशनल नंबर तो हैं लेकिन वो इंटीजर नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। और इसी के साथ आपका एग्जांपल नंबर 1 ख़त्म होता है। तो ऐसे ही रिलेटेड करके क्वेश्चन अब आप देखेंगे कि आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 3 वो बिल्कुल सेम यही है, क्वेश्चन नंबर फोर में भी ट्रू फॉल्स बताने हैं, उसको और हम देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ट्रू फॉल्स बताने हैं और रीजन देना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स बताने हैं और साथ में रीजन भी बताना है कि आप अपनी बात को कारण बताइए ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहला इसमें जो पार्ट है वो है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आप जानते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के गोले में आ तो रहे हैं भाई, तो सही बात है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, इसका मतलब ये बात कैसी है, ट्रू है। ये बात कैसी है भाई, ट्रू है। सेकंड पार्ट देखें, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सेकंड पार्ट में कहता है हमसे
कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं। देखिए भाई, सभी इंटीजर, इंटीजर का गोला बड़ा है, क्या होल नंबर हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल और जीरो आ गया, बाकी के जो नेगेटिव हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो इंटीजर होते हैं लेकिन होल नंबर नहीं होते। तो आप आंसर में क्या कहेंगे कि सर ये बात फॉल्स है, ये बात आपकी गलत है, सारे इंटीजर जो हैं वो होल नंबर नहीं होते। क्योंकि अब एग्जांपल आप कैसे देंगे, कोई भी नेगेटिव इंटीजर दे दो, आप कह सकते हैं कि ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। भाई जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं हमारे पास, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस हंड्रेड, जितने भी हैं वो सब के सब इंटीजर तो हैं लेकिन होल नंबर नहीं है, लेकिन होल नंबर नहीं है। तो ये आपके दो पार्ट मैंने करा दिए। अब तीसरा पार्ट आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तीसरा पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स। अब ये क्वेश्चन नंबर फोर का तीसरा जो पार्ट है वो मैं आपके लिए यहाँ लिख के छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई। एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ये बात सही है या गलत? फटाफट से कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, आप मुझे इसका जवाब देंगे। आई एम वेटिंग। और इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्क्राइब करने वाले हैं आपको, नेक्स्ट टॉपिक हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।